ईश्वर कहाँ है? एक राजा था, सोते समय उसके मन में विचार आया, ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है? दूसरे दिन राजा ने विद्वानों से यह प्रश्न किया। एक विद्वान ने सोचा, ईश्वर तो आत्मा की अनुभूति है, उसे न देख सकते हैं न छू सकते हैं, समस्त ब्रह्मांड उसका कर्म क्षेत्र है, सब जगह उसका निवास है। राजा ने कहा, महाराज आपके इन साधारण प्रश्नों का कोई अशिक्षित मूर्ख भी व्यक्ति उत्तर दे दे। राजा ने मंत्री से घास छीलने वाले एक ग्रामीण मूर्ख व्यक्ति को बुलाया। राजा ने उससे वही प्रश्न किया। प्रश्न सुनकर एक बाल्टी दूध मंगवाई और दूध को डंडे से मथने लगा। राजा ने कहा, अरे मूर्ख ये क्या कर रहा है, मेरे प्रश्न का उत्तर दे। वह बोला, महाराज लोग कहते हैं दूध में घी होता है, वही खोज रहा हूँ। राजा ने कहा, अरे मूर्ख घी ऐसे नहीं निकलता, दूध को पकाना पड़ता है, दही जमाना पड़ता है, मथना पड़ता है, मक्खन बनता है, उसे पका कर घी बनता है। वह बोला, यही आपके प्रश्नों का उत्तर है। जैसे घी दूध में व्याप्त है पर दिखाई नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार ईश्वर संसार के कणकण में व्याप्त है पर दिखलाई ही नहीं देता, चिंतन मनन ध्यान साधना करने पर उसे प्राप्त किया जा सकता है।